हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोल का कंसेप्ट, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं कि मोल का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है कि जनरली जो एक एटम की साइज़ या एक मॉलिक्यूल की साइज़ होती है बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर मैंने सपोज करो एक स्पून, एक टी स्पून वाटर लिया, तो उस टी स्पून वाटर के अंदर लगभग लगभग 10 की पावर 23 के ऑर्डर के मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस टी स्पून के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो तुम क्या बोलोगे? सर 10 पॉइंट समथिंग, या फिर 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 23। तो कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, कि भाई कितने एटम्स है, उसकी कैलकुलेशन बहुत अजीब जा रही थी, बहुत गंदे नंबर्स आ रहे थे। तो हमने एक नई यूनिट बनाई। सेम कहानी जो रियल लाइफ में भी होती है। जब हम गोल्ड खरीदने जाते हैं तो हम ग्राम्स में बात करते हैं, लेकिन वहीं जब हम शुगर खरीदने जाते हैं तो हम केजी में बात करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए था, तो हम ग्राम में ऐसे नहीं बोलते कि भैया 1000 ग्राम चीनी दे दो, नहीं, हम बोलते हैं भैया 1 केजी या 2 केजी चीनी दे दो, या फिर 2.5 केजी चीनी दे दो, 5 केजी चीनी दे दो। तो हम ये नहीं बोलते 5000 ग्राम चीनी दे दो। तो हमने एक नई यूनिट बना ली जो कि बड़ी थी। सेम कहानी यहाँ पे हुई कि हमने क्या किया कि ऐसा बोला कि 6.02 × 10 की पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स को मिला के हमने बोल दिया कि इन्हें हम बोलेंगे 1 मोल एटम या मॉलिक्यूल्स। इतने एटम्स को एक साथ मिला के हम बोल देंगे, जैसे 1000 ग्राम को मिला के अपन ने बोल दिया 1 केजी, ऐसे ही इतने एटम्स को मिला के हमने बोल दिया 1 मोल एटम। समझ में आई थी बात? ठीक है। अच्छा, अब 1 मोल एटम क्या है? ये मोल जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। बेसिकली वो हमें बस ये बता रहा है कि कितने एटम्स हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि 1 मोल वाटर, तो 1 मोल वाटर का मतलब क्या हो गया कि 6.02 × 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बोलता हूं 2 मोल वाटर, इसका मतलब इसके डबल, यानी कि 2 × 6.02 × 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक अच्छी यूनिट आ गई। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ 2 मोल वाटर ले लो, तो 2 मोल का मतलब तुम अपने आप समझ जाओगे कि यार इतने मोलिक्यूल्स लेने हैं वाटर के। मेरे को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई 2 × 6.02 × 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स लेके आओ, नहीं, मैं क्या बोलूँगा 2 मोल्स ऑफ वाटर लेके आओ। तो हमने एक नई यूनिट बना ली, एक बड़ी यूनिट बना दी कि इतने सारे एटम्स के मोलिक्यूल्स को एक साथ बोल दिया मोल। क्लियर? अब मोलर मास क्या था? मोलर मास था 1 मोल सब्सटेंस का मास। मोलर मास क्या हो जाता है? 1 मोल सब्सटेंस का मास हो जाता है। खत्म खेल। के इतने सारे एटम्स का मिला के जो मास आएगा, इतने एटम्स का मिला के जो मास है वो सब्सटेंस का मोलर मास। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का मोलर मास, तो हाइड्रोजन के हम इतने एटम्स ले लें, उनका टोटल मास देखें कि अच्छा 1 ग्राम आ रहा है, तो हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया 1 ग्राम। ऑक्सीजन का मोलर मास, तो ऑक्सीजन के हम इतने सारे एटम्स ले लें और देख लें उनका क्या आ रहा है, वो हो जाएगा ऑक्सीजन का मोलर मास। समझ में आई? और लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट एटम्स के मोलर मास भी लर्न किए थे। आज हम उन्हीं का यूज करके कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आई बात? नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हमें रिमेंबर रखने हैं, बाई हार्ट करने हैं, जिनकी हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें समझाता हूँ उस फॉर्मूले को, कि सपोज करो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन नहीं, सोडियम ले लेते हैं। कि सोडियम का मोलर मास, मोलर मास को कैपिटल एम से दिखाते हैं, सोडियम का मोलर मास होता है 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर मैं 1 मोल सोडियम ले लूँ तो उसका मास कितना आएगा? 23। इतने एने एटम्स, उस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर 6.02 × 10 की पावर 23। तो उतने अगर मैं सोडियम के एटम्स ले लूँ तो उनका मास आएगा 23 ग्राम। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मास ऑफ 1 मोल, मोल को शॉर्ट में MOL लिख देते हैं, एने एटम्स इज इक्वल टू 23
ग्राम। क्लियर। अब हमने 1 मोल एन एटम्स का मास ले लिया। अब मुझे बताओ कि अच्छा 23 ग्राम में इतने एन एटम्स हैं, तो 46 ग्राम में कितने एन एटम्स होंगे? अगर मैं सोडियम 46 ग्राम ले लूं तो उसके अंदर कितने मोल होंगे? सर 1 मोल 23 ग्राम, 46 मतलब 2 मोल। हाँ या ना? तो ये हमने कैसे निकाला? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स को हम दिखाते हैं स्मॉल m से, वो होता है गिवन मास, उसे हम दिखाते हैं w से, अपॉन मोलर मास कैपिटल m। गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैसे? देखो 46 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स निकालने, हमें कितना मास दे रखा है 46। सोडियम का मोलर मास कितना है 23, तो कितने आ गए 2 मोल्स आ गए। अगर तुम्हें किसी भी सब्सटेंस का मास दे रखा है और मोल्स पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्या है ये? गिवन मास है ना अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, और एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, जो भी मास गिवन है अपॉन उसका मोलर मास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि सर अगर हमें मास दे रखा है तो हम उससे मोल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके बताओ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम CH4। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम CH4। ट्राई करो भाई, कैसे निकालेंगे? सर मास दे रखा है और मोल्स पूछ रहा है, मास दे रखा है और मोल्स पूछ रहा है, तो फिर सर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? किसके मोल्स निकाल रहे हैं? CH4 के। तो CH4 के मोल्स कितने हो जाएंगे? कितना मास दे रखा है 8। अपॉन मोलर मास निकाल लेते हैं CH4 का, सर कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 × 1 यानी कि 16, तो 8/16 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स होंगे 8 ग्राम CH4 में। 8 ग्राम CH4 में कितने मोल्स होंगे? 0.5। क्लियर। एक और क्वेश्चन करके बता दो, चलो इसे तुम करके देखना, वीडियो पॉज करके ट्राई करना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम H2O। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम H2O, मतलब मैंने अगर तुम्हें 90 ग्राम पानी दे दिया कि ले बेटा ये 90 ग्राम वाटर, इसके अंदर बताओ कितने मोल्स होंगे, तो कितने होंगे बताओ? वीडियो पॉज करके ट्राई करो और बताओ। सर मास दे रखा है, मोल्स पूछ रहा है, एक को फॉर्मूला आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 90 और H2O का मोलर मास सर हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 18। 18 फाइव सा 90, यानी कि 5 मोल्स होंगे, 5 मोल्स ऑफ H2O आर देयर इन 90 ग्राम H2O। 90 ग्राम H2O में कितने मोल्स है? 5 मोल्स हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द मास ऑफ 3 मोल अमोनिया। अमोनिया एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है, बहुत फेमस गैस है। तो फाइंड द मास ऑफ 3 मोल अमोनिया, फाइंड द मास ऑफ 3 मोल अमोनिया, करो भाई वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। चल देखो, 3 मोल अमोनिया यानी कि
हमें नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं इस बार, नंबर ऑफ मोल्स किसके दिए हैं, अमोनिया के, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 हमें दे दिए हैं 3। और हमसे पूछ रहा है मास, यानी कि गिवन मास हमसे पूछे जा रहा है। सर गिवन मास पूछे जा रहा है, हाँ ठीक है ना, गिवन मास गिवन नहीं दिया भाई इस बार, तो सर फिर गिवन क्यों नाम रख रहे हो उसका, बस बोला जाता है ठीक है ना। तो इस बार मास पूछ रहा है, मोलर मास अमोनिया का कितना हो जाएगा, सर नाइट्रोजन का हो जाएगा 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो 3 17 ग्राम। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल से 3 गिवन मास निकालना है, ये हो गया 17, तो इधर जाएगा तो गिवन मास आ जाएगा 17 × 3 = 51 ग्राम। समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को तुम प्योर कंसेप्ट से भी कर सकते थे, कैसे करते हैं देखो, अमोनिया का मोलर मास क्या है, 17 ग्राम। अब मोलर मास का मतलब अगर तुम्हें पता है क्या है कि सर एक मोल अमोनिया का मास 17, हमसे पूछ रहा है 3 का, तो एक मोल का 17 है तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 17 × 3 = 51, डायरेक्ट भी आ जाता। ये तो मैंने फॉर्मूले से बताया, कंसेप्ट से कि यार मोलर मास कितना है, 17 है, ठीक है मोलर मास है 17, तो एक मोल अमोनिया का मास है इतना, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × 17। समझ में आ गई बात। अच्छा अब नेक्स्ट फॉर्मूला आता है जिससे कि हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स। कैसे, देखो इसी क्वेश्चन को देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 8 ग्राम CH4। अगर मैं इस क्वेश्चन में मोल्स की बजाय पूछता तुमसे मोलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 8 ग्राम CH4, सबसे पहला काम है मोल्स कैलकुलेट करना। मोल कंसेप्ट के जनरली ये क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे पहला काम है तुम्हारा मोल्स कैलकुलेट करना। तो हमने मोल्स निकाल लिए 0.5, हमें निकालने कितने मोलिक्यूल्स होंगे, 8 ग्राम जब मैं मिथेन, ये क्या है मिथेन है CH4 लेता हूँ, तो इसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, सर एक मोल में होते हैं 6.02 × 10³ मोलिक्यूल्स। एक मोल के अंदर इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, एन ए मोलिक्यूल्स होते हैं, तो आधे मोल के अंदर कितने होंगे भाई, सर हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 6.02 × 10³, तो ये आ जाएगा 3.01 × 10³, तो कितने मोलिक्यूल्स आ गए, 3.01 × 10³ 23। बात समझ में आई, सर एक मोल में इतने और कितने मोल्स हैं, आधे, आधे मोल्स हैं तो आधे मोल में कितने हो जाएंगे, सर आधे से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई एक किलो डेरी मिल्क में 50 डेरी मिल्क आती है, ठीक है, अगर सबका वेट हम करें, हम उनको वेट करें, तो फिर एक किलो डेरी मिल्क के अंदर 50 आती है, तो बताओ आधे किलो के अंदर कितनी आएगी, 25। तुमने क्या करा, हाफ से मल्टीप्लाई किया 50 को। सेम चीज़ यार, एक मोल में इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, हमने मोल्स निकाल लिए कि अच्छा कितने मोल्स हैं, आधे, तो आधे मोल्स में कितने हो जाएंगे, इतने मोलिक्यूल्स हो जाएंगे। ये तो रही कंसेप्ट की बात, अब यहीं से फॉर्मूला भी देख लो कि ये क्या था, ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स और ये क्या था, एवोगैड्रो नंबर। और आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया कितने पार्टिकल्स थे, गिवन पार्टिकल्स, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि गिवन पार्टिकल्स अगर मुझे निकालने हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसके इक्वल हो जाएगा, सर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लिखते हैं कैपिटल N। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आ गया अपना सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, और वो क्या हो गया कि सर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से इस Na को नीचे भेज दिया तो N अपॉन Na, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N अपॉन Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। N क्या है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल्स, अगर हम एलिमेंट की बात करेंगे तो एटम बोलेंगे और कंपाउंड की बात करेंगे तो मोलिक्यूल्स बोलेंगे, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल। और Na क्या है, Na तो एवोगैड्रो नंबर है, 6.02 × 10³ 23। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये आ गया अपना सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ
मोल्स का, किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में। फर्स्ट फॉर्मूला किसके टर्म्स में था, मास के टर्म्स में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सेकंड पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये आ गया मोल्स का सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लो इसे, ठीक है, बस डायरेक्ट नोट कर लो, ये सेकंड फॉर्मूला है क्वेश्चंस के बाद, ये नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे। तो जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके का, मोल्स कैलकुलेट, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट, मास कैलकुलेट करने का, तो सबसे पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स है एक तरीके का रास्ता दूसरी चीज़ें निकालने का। सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ से हम दूसरी तरफ जाएंगे, ये एक तरीके का सर्कल, एक चौराहा है। तो सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ से हमें रास्ता मिल जाएगा दूसरी चीज़ें निकालने का। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुम्हें दो तरीके सीखे हैं अभी तक। पहला गिवन मास अपॉन मोलर मास, सर मास दे रखा है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकाल लेंगे। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए से निकाल लेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन, कैलकुलेट फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स, सेकंड मास ऑफ 12.04, या फिर मैं लिखूँ इसे 1.204 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं सोडियम ही लेते हैं, सोडियम, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ सोडियम, इतने सारे अगर मैं, देखो फॉर्मूला सेकेंडरी है, पहले समझो, ठीक है, पेन चलाने से पहले समझो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हमने 11th में साइंस लिया है तो हमें हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना है कि यार जो चीज़ मैं लिखने जा रहा हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आंसर निकालने के लिए, हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब वो अपनी एज चली गई कि हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने से नहीं होंगे, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि यार कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ क्या करूँ। तब काम आता है कंसेप्ट, और उसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे तब जाके वो क्वेश्चन हो पाएंगे। क्या कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखो हमें दे रखे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स और मास, हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, मास किसका, इतने एटम्स ऑफ सोडियम, यानी कि सोडियम के अगर मैं इतने एटम्स ले लूँ तो इनका टोटल मिला के मास कितना आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। समझ में आ रही है क्या चीज़ पूछ रहा है, कि सोडियम के अगर मैंने इतने सारे एटम्स ले लिए तो इनका टोटल मास कितना आएगा और इनके अंदर टोटल मोल्स कितने हैं। अब मोल्स तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे सर, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, अब देखो क्या गिवन है, पार्टिकल्स गिवन है तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास गिवन होता तो मास वाला लगाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए, तो पार्टिकल्स कितने गिवन है, 1.204 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन एन ए कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 6.02 इंटू 10 की पावर 23, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अभी इस चैप्टर के एंड में आते आते हम कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, हम लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे वहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी जगह नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है अपन को, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो इसे काट देते हैं, तो 10 की पावर 23 से ये -23 में चला गया ऊपर, तो ये हो गया 1.204 इंटू 10 की पावर 1 अपॉन 6.02, ठीक है। अब तुम चाहो तो देखो दो पॉइंट से दो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ गया, और इंटू 10 करेंगे तो ये पॉइंट भी हट गया, तो ये हो गया 1204 अपॉन 600
टू। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे तो तुम्हें दिख रहा है कि 6 2 12 और 2 2 4 इसका जस्ट डबल है, डबल है। तो आंसर आ गया 2, यानी कि इतने एटम्स ऑफ सोडियम में कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2 मोल्स। अब हमसे पूछ रहा है कि इतने एटम्स का मास भी निकालो। अगर वो तुमसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछता, डायरेक्ट मास भी पूछता, तो सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स ही निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, अब मास वाला फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स का मास वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2। गिवन मास तो निकालना है, मोलर मास हमें पता है सोडियम का कितना होता है, 23। तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो मास कितना आ गया, 46 ग्राम। समझ में आई बात, ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले अगर वो मास भी पूछता तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालता, जो भी चीज़ गिवन है उससे। अगर मास दिया होता तो मास वाले फॉर्मूले से, पार्टिकल्स दिए हैं पार्टिकल्स वाले फॉर्मूले से, और उसके बाद दूसरी चीज़ निकालनी है। रास्ता हमेशा यहीं से होके गुजरेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने, उसके बाद दूसरी चीज़ निकाल पाओगे। क्लियर, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। चल अगर तुम्हें ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो फिर इस क्वेश्चन को करके बताओ और मुझे आंसर कमेंट करना, फिर देखें क्या आता है। हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4? हाउ मैनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम H2SO4? ठीक है, अब ऑप्शन है ए 7 × 6.02 × 10³, ऑप्शन बी 5 × 6.02 × 10³, ऑप्शन सी 5 × 6.02 × 10²², ऑप्शन डी 7 × 6.02 × 10²². चल बताओ मुझे, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, टफ लग रहा है तो भी ट्राई करो, ठीक है। कोशिश करनी है, जब कोशिश करोगे तो ही सीखेंगे, ठीक है। केवल सुन के इतनी लर्निंग नहीं हो पाती है जितनी हम करके कर पाते हैं, खुद से करो। हो गया, देखो वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेना भाई। हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी मोलिक्यूल्स, यानी कि कैपिटल एन हमसे पूछ रहा है, आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी कि गिवन मास हमें दे रखा है 49 ग्राम। अब मैं तो तुमसे बोला है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे या मास पूछे, सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल्स निकालेंगे। अब मोल्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसके मोल्स, H2SO4 के। तो सर गिवन मास तो 49 और मोलर मास निकाल लेते हैं H2SO4 का, कितना हो जाएगा सर, हाइड्रोजन का 2, दो हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, और 4 है तो 16 × 4 = 64, तो ये हो गया 34 और ये 98, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में मोलर मास निकालना सीखा था, ठीक है, कितना आ गया 98। तो ये हो गया 1/2, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भाई, 1/2, 1/2 आ गए। तो फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मोल्स के टर्म्स में क्या है सर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, मोल्स कितने आए, हाफ एन अपॉन एन ए की वैल्यू 6.02 × 10³, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना भी सीखो। हम अब हमारी आदतें क्या पड़ी हुई है, इसे मल्टीप्लाई में करेंगे, सोल्व करेंगे, हाँ, खुश हो जाएंगे, फिर देखेंगे सर आंसर तो मिल ही नहीं रहा। ये देखो कि ऑप्शन किस टर्म्स में दिए हैं, ऑप्शन में हमेशा 6.02 × 10³, 6.02, 6.02, 6.02, 6.02 नज़र आ रहा है, यानी कि इस 6.02 के साथ तो छेड़खानी नहीं करनी है,
ठीक है, ये थोड़ी सी स्मार्टनेस जगानी है अब, ठीक है ना। तो 6.02 के साथ छिड़खानी नहीं करनी है, ठीक है सर। इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इधर भेज देते हैं इसे, तो एन आ जाएगा 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10^23। इसके साथ कुछ नहीं करना है। ये आंसर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या करें सर, इस 1/2 को गायब करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ से एक 10 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10 इंटू 10^22। अब देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 × 6.02 इंटू 10^22, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 5 × 6.02 इंटू 10^22। समझ में आई बात? ठीक है, नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अभी हम, लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट और देता हूँ मैं तुम्हें। नोट कर लिया? चलो अब देखो, मैंने क्या पूछा था, मॉलिक्यूल्स, यानी कि H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं तुमसे पूछता कि हाउ मैनी एटम्स, कहानी बदल जाएगी। मैंने पूछा था कि H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स है उसके 49 ग्राम में, ठीक है, कितने आए सर? इतने। अगर मैं तुमसे पूछता कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4? वीडियो पॉज करके ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हो गया? देखो, अब की बार वो हमसे एटम्स पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहा है। तो तुमने मॉलिक्यूल्स तो निकाल ली कि सर 49 ग्राम में H2SO4 के इतने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब मुझे बताओ, एक H2SO4 के मॉलिक्यूल में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में अंतर पता है? ठीक है, एटम्स तो एक हाइड्रोजन एक सल्फर ऐसे, और मॉलिक्यूल क्या होता है, एक H2SO4 का मॉलिक्यूल जिसके अंदर H2SO4 पूरा का पूरा रहेगा। एक H2SO4 के मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहेगा, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन, इन सबको मिला के बना एक H2SO4 का मॉलिक्यूल। मैं बोलता हूँ एक वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रहेंगे उस मॉलिक्यूल में। मैं बोलता हूँ एक ऑक्सीजन का एटम, यानी कि तुम समझो कि इस H2O के मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम है, एक H2O के मॉलिक्यूल के अंदर तीन एटम है। तो एक H2SO4 के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, 7। तो सर टोटल मॉलिक्यूल्स इतने थे और एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम है। टोटल मॉलिक्यूल्स इतने, एक मॉलिक्यूल के अंदर 7 एटम्स हैं। तो फिर अगर टोटल एटम्स निकालने को कहता तो पहले टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 का, कि 7 × 5 × 6.02 इंटू 10^22, ये आ जाएगा इतने एटम्स होंगे। भाई सोचो, अगर 10 मॉलिक्यूल है, ऐसे मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो कितने हो जाएंगे सर, 7 इधर 7 इधर, 7 × 2, ऐसे 10 ले लिए 7 × 10, ऐसे इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 7 × ये। समझ में आया? ऐसे बनते हैं अच्छे क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट का खेल है। तुम्हें एक एक बात समझ में आनी चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ पाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल। अगर तुम्हें क्वेश्चन का एक एक वर्ड की बात समझ में आ गई है, तुम्हारा 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, चलो अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में करने को देता हूँ, ठीक है, उसे ट्राई करना। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। हाँ भाई, क्वेश्चन है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए 1 ग्राम, ऑप्शन बी 0.5 ग्राम, ऑप्शन सी 1.66 × 10^-24 ग्राम, ऑप्शन डी 3 × 10^-23 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस बार क्या पूछा गया है,
मास पूछा गया है, क्या दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एन हमें दे दिया है 1। सबसे पहले क्या करोगे सर, मोल्स निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, एन अपॉन एन है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन है, मोल्स आ गए तो फिर मास आ जाएगा, मास वाला फॉर्मूला लगा के। समझ में आई, हिंट मैंने दे दी, इसे करना। चलो एक क्वेश्चन और करोगे क्या, एक और क्वेश्चन करना होमवर्क में, एक और बता देता हूँ मैं। 25 ग्राम ऑफ चलो इसे रहने देते हैं, ठीक है, इसे ही करना, उसके बाद कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। आज इतना ही, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना, तब तक के लिए बाय बाय।